रोमांचक मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को हराकर रचा इतिहास, 3-0 से किया क्लीन स्वीप। तो दोस्तों क्या रहा पूरे मैच का हाल, कैसे जीती भारतीय टीम, बताएंगे इस वीडियो में इस मैच की पूरी हाईलाइट। तो दोस्तों पूरे मैच का हाल जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप भी भारतीय टीम की इस धमाकेदार जीत से खुश हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे में चलिए दोस्तों अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर की। दोस्तों शुभमन गिल 130 के शानदार शतक के दम पर भारतीय क्रिकेट टीम ने सोमवार 22 अगस्त को हरारे स्पोर्ट क्लब में खेले गए तीसरे और आखिरी वनडे मैच में जिम्बाब्वे को 13 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। भारत के 289 रनों के जवाब में जिम्बाब्वे ने 49.3 ओवरों में 276 रनों पर ऑल आउट हो गई। जिम्बाब्वे के लिए शानदार बल्लेबाजी करते हुए सिकंदर राजा ने शतक जड़ा और 95 गेंदों में 9 चौके और 3 छक्कों की मदद से 115 रनों की पारी खेली। इसके अलावा सीन विलियम्स ने 45 और ब्रैंड एवस ने 28 रन बनाए। भारत के लिए गेंदबाजी में आवेश खान ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटकाए। इसके अलावा दीपक चहर, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लिए। वहीं शार्दुल ठाकुर ने 1 विकेट लिया। वहीं दोस्तों इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 289 रन बनाए। अपने करियर का पहला शतक जड़ते हुए शुभमन गिल ने 97 गेंदों में 5 चौके और 1 छक्के की मदद से 130 रन बनाए। वहीं भारत की ओर से दूसरे बेस्ट स्कोरर रहे ईशान किशन, जिन्होंने 50 रन बनाए। उपकप्तान शिखर धवन ने 40 और कप्तान केएल राहुल ने 30 रनों का योगदान दिया। तो दोस्तों यार भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए तीसरे वनडे मैच का पूरा हाल। तो दोस्तों आप भी भारत की इस धमाकेदार जीत पर अपनी राय कमेंट जरूर करें। ज्यादा जानकारी और क्रिकेट के अन्य तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।